ओम यस्योदयास्त समये सुरमुकुटनिघृष्टचरणकमलोऽपि कुरुतैञ्जलिं त्रिनेत्रः स जयति धाम्नां निधिः सूर्यः। श्रीगुरुभ्यो नमः नमः। सभाभ्यः सभापतिवृषभः नमस्कार। आप सभी ज्योतिष के श्रोताओं का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं संतान के विषय में। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में संतति सुख और दुख का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रीय व्यवस्था में विवाह का मुख्य प्रयोजन संतानोत्पत्ति कर पितृ ऋण चुकाना एवं वंश विस्तार करना इत्यादि है। संतान के बिना जीवन की कल्पना ठीक उस प्रकार है जैसे बिना प्रजा के राजा। अपने वंश को आगे बढ़ाना न केवल मनुष्य जाति का विशेष अधिकार है, परंतु हर प्राणी, चाहे वह जंतु हो या वनस्पति, सबका मूलभूत अधिकार ही नहीं अपितु कर्तव्य भी है। यही एक गुण है जो जीव विज्ञान की दृष्टि से जीवित और निर्जीव वस्तुओं में अंतर प्रदर्शित करता है। केवल जीवित प्राणी ही प्रजनन करते हैं और इसी प्रजनन शक्ति पर टिका है सृष्टि का सतत विकास। भावी पीढ़ी को हम विरासत में देते हैं अपनी सभ्यता और संस्कृति। संतान हमें भविष्य में चाहे कितना भी दुख क्यों न दें, परंतु संतानहीनता की स्थिति में हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी निरर्थकता का अनुभव अवश्य होता है। इसका प्रसंग पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। ऐत्रीय ब्राह्मण में लिखा है, ना पुत्रस्य लोकोस्ति इति यत् सर्वं पशवो विदोह तस्मात् पुत्रो मातरं स्वसारं चादिरोहति। संतानहीनता के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पौराणिक उदाहरणों को देखें तो त्रेता युग के दशरथ तथा द्वापर में पांडु युधिष्ठर और आधुनिक काल के अकबर वैभव और संतानहीनता तथा संतान विलंब का नाता अटूट ही रहा है। देश में बढ़ती जनसंख्या के बावजूद भी विवाह के 3-4 वर्ष व्यतीत होने पर यदि किसी दंपति के यहाँ शिशु का जन्म नहीं होता है तो पूरा परिवार हतप्रभ हो जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो आज हम प्राय देखते हैं कि आज की जो आधुनिक जीवन शैली की भागदौड़ है, तनाव युक्त जीवन ने स्त्री पुरुष दोनों के प्रजनन क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इसमें हम देखते हैं प्राय लोगों का जो खान पान है, पहनावा है, ये सभी अव्यवस्थित हो गया है। जीवनचर्या ही पूरी अव्यवस्थित है। इसके कारण भी संतानहीनता इत्यादि का प्रभाव रहता है। तनाव युक्त एवं अप्राकृतिक दिनचर्या जैविक घड़ी को गड़बड़ा देती है। परिणाम स्वरूप अंडोत्सर्ग और शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है इस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। सामाजिक शारीरिक कारण एवं ये प्रायः हम देखते हैं कि सामाजिक और शारीरिक कारण, परंतु ज्योतिष विज्ञान के अनुरूप जातक की जन्म कुंडली में घटित योग ग्रह की स्थिति गति संतान सुख और दुख की स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। संतान का सुख पाने के लिए यद्यपि सबके हृदय में स्वाभाविक इच्छा होती है, परंतु इसके लिए उद्योग योजना समय का निर्धारण करने के लिए एवं अपने तन मन धन की स्थिति में तालमेल रखते हुए प्रसन्न मन से किया गया प्रयत्न हिंदुस्तानी तहजीब और हमारी संस्कृति में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। संतान का विचार करने के लिए पति और पत्नी की कुंडलियां दोनों की परीक्षा करनी चाहिए। पति बीज रूप होने से एवं स्त्री क्षेत्र रूप होने से दोनों की कुंडलियों का विश्लेषण करना परम आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र में मुख्यतया संतान का विचार जन्म कुंडली से पंचम भाव से किया जाता है तथा संतान कारक ग्रह बृहस्पति एवं पंचमेश, नवमेश और चंद्रमा से पंचमेश, ये मुख्य संतान विचार के भाव हैं या कारक हैं। इस प्रसंग में जातकालंकार में गणेश कवि ने लिखा है,
वागीशात् पञ्चमेशः त्रिकबहुनगतः पुत्रधर्मांगनाथः रंध्रे द्वस्यन्तिमस्ता यदि जनुश्रीणाम आत्मजानाम अभाव। संतान के विषय में ये सभी कुंडलियाँ खासकर महत्वपूर्ण होती है। जैसे विवाह के समय की कुंडली, कन्यादान के समय की कुंडली एवं गर्भाधान की कुंडली और दोनों की जन्म कुंडलियाँ, इन सभी कुंडलियों का समग्र रूप से विश्लेषण करने के पश्चात हम ये पता लगा सकते हैं कि जातक को संतान का सुख कब प्राप्त होगा, संतान होगी या नहीं, संतति कितनी होगी और संतान का सुख कैसे होगा। जन्म कुंडली के अलावा लड़की का जब पहली बार रजो दर्शन होने का समय और विवाह संस्कार मिलान कुंडलियां अधिक महत्वदायी मानी गई है। संतान कारक गुरु पंचम भावादि सस्या दिशष्टतलाशिनाथो च, अर्थात संतान भाव का कारक गुरु, गुरु की स्थिति दोनों की कुंडलियों में संतान कारक गुरु किस प्रकार से है, संतान का सुवासु इस पर निर्भर करता है। कारक यदि निर्बल होगा, बलहीन होगा तो संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है, वो अन्य कारण हो सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों की कुंडली में संतान कारक ग्रह समान रूप से होते हैं। जैसे लग्न और चंद्रमा से पंचम पंचमेश, पंचम जिस राशि या नवांश में या नक्षत्र में हो उनका स्वामी ग्रह बृहस्पति, चर कारकों में पांचवें क्रम पर आने वाला पुत्र कारक ग्रह। इन सब कारकों की समीक्षा के उपरांत इनकी दशा अंतरदशा गोचर में पंचम भाव तथा लग्न की स्थिति के अंतर्गत संतान सुख योग घटित होते हैं। यदि ये कारक ग्रह होंगे, संतान कारक ग्रह होंगे और बलवान होंगे तो संतान सुख होगा। यदि यही कारक ग्रह निर्बल होंगे और षष्ठ अष्टम द्वादश में शत्रु ग्रहों के साथ युति होगी, पापक ग्रहों से पीड़ित होंगे, अस्त होंगे, नीच होंगे तो इनकी कारकत्व में न्यूनता आएगी, जिसके फलस्वरूप संतान प्राप्ति में विलंब होगा या संतान अभाव होगा। इसी प्रकार संतान विलंब योग की बात हमारे शास्त्रों में आती है कि कहे आप हम देखते हैं कि कहीं जातकों के विवाह के उपरांत कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं परंतु संतति प्राप्ति नहीं होती है। उसमें भी कहीं न कहीं कारण संतान कारकों का व संतान स्थान में अनेक प्रकार के जो विलंब योग हैं उनके कारण संतान सुख में बाधा आती है। ज्योतिष शास्त्र में उपरोक्त ये वर्णित जो भी हमने कारकों की बात करी है, इन सब के समन हेतु ग्रहों की चिकित्सा करनी चाहिए। मणि मंत्र औषधि दान स्नान के माध्यम से, अन्यत्र भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे संतान गोपाल का अनुष्ठान है, इसी प्रकार कहीं पुराण श्रवण का फल है, ये सब करके निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा या संतति की प्राप्ति होगी। मित्रों, संतान होना क्या, एक प्रश्न यहाँ पे उत्पन्न होता है कि संतान होना क्या संतान सुख है। प्रायः हम देखते हैं कि संतति सत्यापि तत्रापि सुखम नास्ति, संतान के होते हुए भी सुख नहीं है, अपितु कई लोग संतान से बड़े दुखी हैं। इसका कारण क्या है? क्या ज्योतिष शास्त्र में संतान होना मात्र सुख है या संतान सुख कुछ अन्यत्र है? देखिए, सत संतति जब होगी तभी संतान सुख होगा। इसके लिए कुंडली में संतान कारक ग्रहों का विश्लेषण करना परम आवश्यक है। एक शोध में हमने पाया कि प्रायः लोग देखते हैं कि लग्न से पंचम स्थान की स्थिति के वश, लग्न से पंचम स्थान में ग्रहों का जो योग है या ग्रह योग वश ही संतान फल कथन करते हैं, लेकिन चंद्रमा से पंचम भाव, चंद्र से पंचम और पंचमेश का बहुत बड़ा महत्व है। इसका हमने कई कुंडलियों पर विश्लेषण किया और इसका रिजल्ट जो है अच्छा आया, चंद्रमा से पंचमेश और पंचम भाव का, वैसे ही कारक गुरु से पंचम और पंचमेश का। चंद्रमा जो है मन का कारक है मित्रों,
और मन ही मनुष्याणम कारणम बंध मोक्ष है। मन जो है बंधन और मोक्ष का कारक है। हमारे मेडिकल साइंस में जो स्वस्थ सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं उसके लिए आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का ठीक होना बहुत जरूरी है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को बैलेंस करता है या बैलेंस है या नहीं है इसकी स्थिति को दर्शाता है चंद्रमा, क्योंकि ये मन के वेग से है, मन की स्थिति पर निर्भर है। जब अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है वो चंद्रमा पे ही निर्भर है, इसलिए चंद्र से पंचम और पंचमी इसका बड़ा महत्व हमने देखा। संतान का जब भी विचार करें तो चंद्र कुंडली से पंचम भाव का भी अवश्य विचार करें। आज जो अनफर्टिलिटी के जो कारण हैं, क्योंकि लोगों का प्राय हम देखते हैं कि मानसिक विकृतियां हो जाती है, संतान अगर समय पर प्राप्त नहीं होता है, संतान के प्रति जो जिज्ञासा, जो चिंता और लोलुपता है, लोगों के प्रति व्यग्रता है, दुखी है, तो वो मन को जरूर प्रभावित करती है वो व्यग्रता। और मन को पुष्ट करना है, मन को अच्छा करना है, मन को ठीक करना है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का ठीक होना बहुत जरूरी है। इसलिए चंद्र की स्थिति और चंद्र से पंचम भाव की स्थिति का पुष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ये पुष्ट होगा तो संतानोत्पत्ति में वादा जो है उसका विश्लेषण हम अच्छे से कर सकेंगे। तो चंद्रमा से पंचम स्थान का और कारक गुरु से वागी सात पंचमी सह गुरु से पंचम स्थान का एक योग और आता है ज्योतिष में, तृतीय भाव का, तृतीयेश का फल। सहज भाव पते सहजे यदा तनुगो धनगो व्ययगो पिवासु तो हानि करो भवते निणाम। भाव कौतूहल में लिखा है कि तृतीयेश यदि सहजे यदा, यदि अपने ही तीसरे में हो, तनुगो धनगो व्ययगो की वा तनु स्थान में लग्न में हो, धन स्थान में हो और व्यय में हो तो सुत हानि करो भवतो ऋणा, तो संतान की हानि करेगा। क्योंकि देखिए तृतीय स्थान पंचम स्थान का लाभ स्थान है, तो इसलिए अगर हम सर्वतो भावा भावत्वेन अगर हम भाव की भाव का विचार जब करते हैं तो उस भाव का लाभ क्या है, इसलिए तृतीय भाव का विचार यहां पे आता है। एवं संतानोत्पादक ग्रह कारक गुरु ये सब बलवान हो तो संतान सुख निसंदेह प्राप्त होता है। एक योग आता है पुत्रस्थाने तदी सेवा गुरुवा सुवीक्षिते सुभग ग्रहेण संयुक्ते पुत्र प्राप्ति न संशया। पुत्रस्थान गते जीवे परिपूर्ण वलान्विते लग्नाधिपेन संदृष्टो पुत्र प्राप्ति न संशया। ये संतान प्राप्ति के कुछ योग हैं। पंचम स्थान में, पंचम स्थान को यदि पंचमेश व गुरु देख रहा हो, पंचम स्थान का तात्पर्य अभी हमने बात करी कि चंद्रमा से पंचम भाव का भी हम यहाँ पे कह रहे हैं। पंचम स्थान को पंचमेश व गुरु देखता हो, शुभ ग्रह शुक्र चंद्र की दृष्टि हो, बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण उचस्त होकर के पंचम भाव में बैठा हो तथा लग्नेश की पंचम भाव पर दृष्टि हो, ये सभी स्थितियां संतान सुख व पुत्र प्रदाता होती है। यहाँ पे देखिए संतान के विचार में लग्न का भी बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी भाव के विचार में जब तक लग्न का, लग्न क्या है, शरीर, शरीर यदि सामर्थ्यवान नहीं होगा, अगर शरीर यदि निरोगी नहीं होगा तो संतान का आप देखिए कि संतान प्राप्ति में स्वस्थता कैसे आएगी। देहाधीशे सपापे व्यारी मृत गये नचेत तदा देह सौख्यम। देह का सुख यदि नहीं होगा तो संतान का सुख होना असंभव है। देह में अगर शरीर में रोग व्याधियां होगी तो वो कहीं ना कहीं संतान भाव यानी संतति प्राप्ति में भी बाधा बन सकता है। और ये तो उपरोक्त जो अभी हमने आपको बताए कि कारकों की स्थिति अच्छी हो, संतान भाव में अच्छे ग्रह बैठे हो तो संतान प्राप्ति शास्त्रों में लिखा है। वही अगर हम देखें कि संतान में बाधा जब कैसे उत्पन्न होगी, तो संतान बाधा में अगर ये जो ग्रह हैं हमारे संतान कारक इत्यादि, ये अगर 6, 8 और 11 इन भावों में गए हों, 6, 8, 12 में गए हों
और पाप ग्रहों के साथ हो, अस्त हो, इन स्थिति में संतान प्रतिबंधक अर्थात संतति प्राप्ति में विलंब या संतति चिंता दर्शाता है। संतान विलंब योग के बारे में अगर हम बात करें, यदि जन्म लग्न में संतान योग होने पर चतुर्थ स्थान में पापक ग्रह या बृहस्पति हो, पंचम अष्टम में चंद्रमा हो, तो उस जातक के 30 वर्ष तक संतान प्रतिबंधक योग रहता है। पंचम स्थान में जितने पापक ग्रह शुभ ग्रहों की दृष्टि से रहित तो होकर के पंचम स्थान में स्थित होंगे, उतने वर्षों तक संतान प्रतिबंधक समझना चाहिए। संतान प्रतिबंध योग अधिक हो व संतान योग कम बली हो या संख्या में कम हो तो प्रतिबंध की अवधि अधिक हो सकती है, लेकिन संतान योगों की अति निर्बलता व प्रतिबंधकों की बलवत्ता होने पर भी उनके स्थानों पर संतानाभाव देखने में आता है। इस संदर्भ में जातकालंकार में कहा गया है, पापो वा वासवे जह सुख भवनगतः पंचमी वास्तमी वा सीतांशु संतते स्यात् खगुणमित समातुल्य एव प्रबंधः, यावन्त पाप खेटास्तनय गृहगता सौम्य दृष्टा न दृष्टा स्याद्वर्ष प्रमाणो नियतमी भवेत् संततेर्वा विलंबः। संतानवादा में एक और कारण हमें नजर आता है। आज प्राय हम देखते हैं कि गर्भापात, गर्भस्राव इत्यादि देखने में आता है, या अगरवादी अनेक प्रकार के दृष्टांत दिखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी इनके योग हैं। ज्योतिष शास्त्र में बाधक ग्रहों व उस दोष के उपचार के माध्यम से हम संतति बाधा निवारण हेतु जिस संतान प्राप्ति में जो अवरुद्ध पैदा करते हैं, जैसे गर्भापात, गर्भस्खलित इत्यादि, इसको हम ज्योतिषीय चिकित्सा के माध्यम से दूर कर सकते हैं या ग्रह चिकित्सा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से संतान का विश्लेषण करना चाहिए। ये मुख्य चीजें हैं संतान विश्लेषण करने के लिए। तो इन्हीं के आधार पे आगे हम बात करेंगे कुछ विशेष संतान प्राप्ति में जो विलंब योग हैं, जिनके माध्यम से निसंतानता आती है, वो ज्योतिष शास्त्र में उनका विमर्श या विवेचन किस प्रकार से हो सकता है, वो हम कुछ उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।